नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत है ये छुपी हुई बातें नहीं है। यहाँ पे अधिकारियों में, मंत्रालयों में, या यूँ कह लें कि हर एक जगह पर भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है। तो इन तमाम चीज़ों को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी एक ताज़ा मामला आया है स्वास्थ्य विभाग से, और इस स्वास्थ्य विभाग में ये मामला क्या है ये मैं आपको तफसील से बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि किस तरह से पैसे लेकर के या जो अपराधी हैं उनको वरिष्ठ पद पर स्थापित किया जा रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने NM स्कूल लॉर्ड एल्गिन हॉस्पिटल गया की सह प्रभारी प्राचार्य ऋतु कुमारी सिन्हा के आरोपी होने के बावजूद बिहार नर्सिंग निबंधन परिषद का प्रभारी निबंधन नियुक्त कर दिया है। ऋतु कुमारी के खिलाफ 2018 में सिविल लाइन्स थाना कांड संख्या 199/18 दिनांक 5/6/2018 दर्ज है। उनके खिलाफ भादवी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी एवं धारा 383 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ऋतु कुमारी के खिलाफ ANM ट्रेनिंग की व्यवहारिक परीक्षा में स्कूल की छात्राओं से परीक्षा में पास कराने के लिए रिश्वत लेने और 1,55,000 रुपये बरामद होने का आरोप है। आरोपी तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ प्रभावती अस्पताल गया की गृह संरक्षिका रेणु कुमारी ने भी अनावश्यक रूप से परेशान किए जाने के आरोप में आवेदन देकर जिलाधिकारी से जांच की मांग की है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी आरोपों को दरकिनार कर उन्हें बिहार नर्सिंग निबंधन काउंसिल का प्रभारी निबंधक की जिम्मेदारी सौंप दी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या दागी जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन पर आरोप है भ्रष्टाचार का, वो लोग हमारे सिस्टम को चलाएंगे? दो दिन पहले दी गई नई जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार डॉक्टर कौशल कुमार ने आदेश जारी कर बिहार नर्सिंग निबंधन परिषद के प्रभारी निबंधक स्मृति रेखा रॉय के वार्धक्य सेवानिवृत्त के परिणाम स्वरूप गया स्थित ANM स्कूल लॉर्ड एल्गिन हॉस्पिटल के प्रभारी प्राचार्या सह कनीय अनिशिक्षिका को स्थानांतरित करते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत परिषद का निबंधक का प्रभार दिया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। तो बिहार में किस तरह की हालात बनी हुई है और कैसे आपराधिक छवि वाले लोग उच्च पोस्ट पर आ रहे हैं, तो हम ये कैसे उम्मीद करें कि जनता के साथ न्याय होगा? आपको बता दें कि प्रभारी निबंधक के खिलाफ विभागीय स्तर पर कोई आरोप की सूचना नहीं है। साक्ष्य के साथ लिखित आरोप मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये वहाँ के जो प्रभारी हैं, जो निदेशक हैं, उन्होंने ये बात कही है कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हालांकि ये बात तय है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है धोखाधड़ी का, और पैसे लेने का भी आरोप इन पर लगा है। तो सवाल यही है कि क्या जाँच तक रुका नहीं जा सकता था, या फिर स्वास्थ्य विभाग में ऐसे कोई सीनियर अधिकारी नहीं थे जिनको ये प्रभार सौंपा जाना चाहिए था? फिलहाल ये तो हमारी सवाल है, जवाब आप देंगे, जनता की जवाब होगी, और आप बताएंगे कि क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो चुकी है? भ्रष्टाचारियों को ऊंचे ओहदे पर रख करके जनता की सेवा में लगाया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये खबर अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें, और Instagram पर भी।